जी हाँ नमस्कार, आप सभी का YouTube चैनल एजुकेशन नॉलेज टीवी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप सभी। अभी अभी सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, हाई लेवल मीटिंग चली हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और हाई लेवल मीटिंग में बहुत बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें गरीब परिवारों को बहुत ही ज़्यादा फायदा अब होने जा रहा है। आने वाले दिनों में यानी कि इस जुलाई के महीने में आपको मिलेगा बहुत ही ज़्यादा फायदा। आपको बताएंगे किस प्रकार से महिलाओं को अब सम्मान निधि योजना के साथ जोड़ा जा रहा है। जी हाँ, महिला सम्मान निधि योजना जिसके तहत महिलाओं को 18,000 रुपये दिए जाएंगे प्रत्येक साल, और ये जो पैसा है ये मिलना भी शुरू हो चुका है भाई। कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पैसा मिलना भी शुरू हो चुका है, और आपको किस प्रकार से पैसा मिलेगा ये भी आपको बताएंगे। वहीं इस योजना के साथ साथ चार और बड़ी योजना आई हुई है जिससे हड़कंप मचा हुआ है, विपक्षी दलों में हड़कंप मचाने वाली खबर है, क्योंकि सरकार लगातार अब नए फैसले ले रही है अपने तीसरे कार्यकाल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रुख साफ कर दिया था कि हमने पिछले 10 सालों में जो काम किया है वो तो एक ट्रेलर मात्र है, अब आने वाले 5 साल देखिएगा किस प्रकार से हम तेजी से विकास करेंगे। ये तो आने वाले समय बताएगा कि विकास किस प्रकार से किया जाएगा, लेकिन आज जो घोषणा हुई है उसके बारे में आपको बताएंगे। तकरीबन 80 करोड़ से ज़्यादा गरीब परिवारों को फायदा है भाई। जी हाँ, जिनके पास भी BPL का राशन कार्ड है यानी कि पीला राशन कार्ड है, गुलाबी राशन कार्ड है, हरा राशन कार्ड है, या फिर जो लाल राशन कार्ड है, यानी कि 4 से 5 प्रकार के राशन कार्ड सरकार बनाती है। भिन्न भिन्न सरकारें अपने अपने जो स्टेट के हिसाब से राशन कार्ड बनाती है, और उस स्टेट के राशन कार्ड पर आपको फ़ायदा दिया जाता है, लेकिन इस बार केंद्र सरकार जो है वो आपको फ़ायदा दे रही है। वहीं महिलाओं को अलग से फ़ायदा है, गरीब परिवार जितने भी लेबर कार्ड से जुड़े हुए हैं उनको अलग से फ़ायदा है, और भाई आपको अगर आपके घर में छात्र है 10वीं और 12वीं कक्षा जिन्होंने इस बार पास की थी उनको अलग से फ़ायदा है। हाई लेवल मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है भाई, तमाम वो जानकारी आपको दूंगा। अंत तक देख ले वीडियो को, अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर कमेंट करके बताइएगा कहां से वीडियो देख रहे हैं, ताकि आने वाली वीडियो आपके गांव, शहर, राज्य से जुड़ी हुई हो। सबसे पहले सबसे अहम इन्फॉर्मेशन को जान ले, महिलाओं को महिला सम्मान निधि योजना के साथ जोड़ा जाएगा। अब महिलाओं को प्रत्येक महीना 1,500 रुपये की राशि, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चलाई जाती है जिसमें 1,500 रुपये की राशि महिलाओं को बैंक अकाउंटों में मिलती है, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, इस प्रकार की योजना पूरे देश भर में चलेगी, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हैं, चाहे बिहार से हैं, चाहे राजस्थान से हैं, चाहे गुजरात से हैं, चाहे महाराष्ट्र से हैं, किसी भी स्टेट से आप हैं, आप अगर गरीब परिवार से हैं, आप एक महिला है या फिर आपके परिवार में महिला है जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है, 60 वर्ष से कम है, उसको सरकार इस योजना का लाभ देने वाली है। आपको बता दें इसके लिए आपको ऑनलाइन तरीके से फार्म भरना पड़ेगा, फार्म भरने के बाद आपको सरकार इस योजना का लाभ देने वाली है। फार्म भरने के लिए सरकार ने पोर्टल भी तैयार कर लिया है, आज रात तक पोर्टल जो है वो ओपन भी किया जा सकता है। जैसे पोर्टल आएगा मैं सबसे पहले वीडियो बनाऊंगा, उस पर पूरा फॉर्म भर के दिखाऊंगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, क्या क्या फॉर्म भरना पड़ेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने घर ही फॉर्म भर सकते हैं। वहीं आप अगर घर फॉर्म नहीं भरना चाहते तो आप नज़दीकी CSC सेंटर, अटल सेवा केंद्र पर जाकर के अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। बात करेंगे, इस योजना की शुरुआत हो चुकी है भाई, बात करेंगे चार और बड़ी योजना का पिटारा सरकार ने खोला है, जिसमें सबसे पहले सबसे अहम इन्फॉर्मेशन हम आपको बता दें तो भाई, जिनके पास भी 4 प्रकार के राशन कार्ड है, भिन्न भिन्न प्रकार के आपके राशन कार्ड मैं बता चुका हूँ, जिसमें पीला, गुलाबी, हरा, लाल, वह काफ़ी सारे स्टेट में काला राशन कार्ड भी है, सभी राशन कार्ड को मिला करके एक राशन कार्ड सरकार ने बना दिया है जो कि वन राशन कार्ड, यानी कि एक भारत देश में एक ही राशन कार्ड चलेगा, जो कि आधार कार्ड के जैसा आपका एक राशन कार्ड सरकार बनाने जा रही है। आप किसी भी स्टेट में जाएं, आप वहां पर जाकर के जो कोटा आपको मिलता है वो कोटा आप ले, कोई भी योजना आप किसी भी स्टेट की योजना अपने राशन कार्ड पर ले सकते हैं।
ठीक है भाई, सरकार ने इसको लेकर भी प्रावधान कर दिया। वही मैं आपको बता दूं, सरकार ने एक और बात कही है, इस बार सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि इस बार जितने भी राशन कार्ड है उसको अब सरकार जांच करवाएगी। भाई बहुत से गरीब परिवार बने बैठे हैं भाई, यानी कि अमीर हैं लेकिन गरीब बने बैठे हैं, उनके परिवार में सरकारी नौकरी है, उनके पास बहुत ज़्यादा एकड़ जमीन है, उनके घर में चार पहिया वाहन है, वह उनके घर में एसी लगी हुई है, फिर भी वे गरीब परिवार का जो सपना है वो देख रहे हैं और गरीब परिवार बने बैठे हैं, उनका हक खा रहे हैं। सरकार ने अब इनके जांच के आदेश भी दे दिए हैं, बक्से नहीं जाएंगे भाई। वहीं गरीब परिवार जो है उनको फ़ायदा अब सरकार देगी। सबसे पहले आप जान लें भाई, जिनके पास भी बीपीएल का राशन कार्ड है, सोलर पैनल के माध्यम से आपकी घरों की छतों पर सोलर पैनल का जो काम है शुरू कर दिया गया है आज से ही, यानी कि जिन्होंने पहले आवेदन कर रखा था जनवरी में फार्म निकले थे, और आपको बता दें बीच में आचार संहिता लगने के बावजूद ये जो फॉर्म है इसका जो सोलर पैनल का जो काम है वो अटका हुआ था, सरकार ने आज से शुरू कर दिया है, घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, आपके भीतर आपके घर पर बैटरी रखी जा रही है और आपको फ़ायदा दिया जा रहा है। आपको बता दें आप अभी भी आवेदन कर लें, 1,10,000 रुपये की राशि आपको सरकार दे रही है। आपको बता दें ये जो पैसा है ये आप पैसा पहले ले सकते हैं, या फिर आपको कहे कि हम पैसा नहीं चाहिए हम सोलर पैनल ही चाहिए, सो सोलर पैनल आपको मिल जाएगा, तो आप इस योजना के लिए ज़रूर अप्लाई कर ले भाई। ठीक है, बात करेंगे अगर आप महिला हैं और आपके परिवार में लेबर कार्ड बना हुआ है, जी हाँ, या फिर ई श्रमिक कार्ड बना हुआ है, सरकार आपको सिलाई मशीन दे रही है बिल्कुल फ्री भाई, 15 दिन के अंदर आपको सिलाई मशीन मिल जाएगी। इस बार जो योजना है मोदी सरकार 3.0, इस बार मोदी सरकार आपको 15 दिन में सिलाई मशीन दे रही है। जो भी महिलाएं हैं जिसकी उम्र 21 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है, गरीब परिवार से हैं, उनको सरकार सिलाई मशीन के साथ जोड़ रही है, 15 दिन के अंदर आपको सिलाई मशीन मिल जाएगी, आपको कहीं डोलने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन फार्म भरना है और ऑनलाइन फार्म भरने के बाद आपके घर खुद जो सिलाई मशीन है वो सरकार भिजवाएगी, चाहे वो कोरियर के माध्यम से भिजवाए, चाहे आपको कैब में जाकर के लेके आनी पड़े, यानी कि आपको जो सिलाई मशीन है वो मिल जाएगी भाई। ठीक है, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। सरकार ने अब मकानों का टेंडर दे दिया है प्राइवेट कंपनियों को, तकरीबन 1,00,000 मकान बनाए जाएंगे जुलाई के महीने में। आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवेदन करते हैं तो आपको सरकार अब बना बनाए मकान दे रही है। सरकार ने मकान बनाने शुरू कर दिए भाई, जो कॉलोनी है वो कॉलोनियों में मकान बनाए जा रहे हैं, जिसमें मकान में आपको 2 कमरे मिलेंगे, किचन मिलेगा, वह आपको लैटरिन बाथरूम अटैच मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको LPG गैस सिलेंडर उसी में मिलेगा, जो कि कनेक्शन आपको कर करके सरकार देगी। वहीं आपके घर के ऊपर सोलर पैनल भी लगा करके देगी, आपको पानी की सुविधा भी देगी, पूरा मकान आपको फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा अगर आप आवेदन कर लेते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल भी मकान नहीं है, आप किराए पर रहते हैं, या फिर आप एक कच्चे मकान में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, सरकार आपको ये मकान बना करके दे रही है। आगे भी काफ़ी सारी योजनाएं आती रहेंगी सरकार की, आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए, आप YouTube चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो आप सभी नहीं आता है देखिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।